हेलो फ्रेंड्स, लिनक्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैंपस के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे ऑडियो के पीछे डेटा को हाइड किया जाता है। ऑडियो स्टेनोग्राफी के लिए बहुत से टूल्स यूज़ में लिए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टिल्थ फाइल्स टूल का यूज़ कर रहा हूँ। स्टिल्थ फाइल एक पावरफुल स्टेनोग्राफी टूल है जो कि किसी भी ऑडियो, वीडियो एंड अदर एक्सटेंसिव की फाइल के पीछे डेटा हाइड, रिट्रीव और हिडन डेटास को रिमूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहले हम ऑडियो के पीछे डेटा को हाइड करना सीखेंगे। डेटा को हाइड करने के लिए हाइड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा के बारे में बता देता हूँ कि उनकी साइज़ क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑडियो की जो फाइल है वह 275 KB की है और सीक्रेट डेटा की 5.41 MB की है। अब मैं सीक्रेट डेटा की जिप फाइल को ऑडियो के पीछे हाइड करके बताऊंगा। सबसे पहले जिस फाइल को हाइड करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे सीक्रेट डेटा की जिप फाइल को हाइड करना है तो सबसे पहले इसको क्लिक करूंगा या सेलेक्ट करूंगा। फिर सेकंड ऑप्शन में जिसके पीछे डेटा को हाइड करना है उसे सेलेक्ट करूंगा। जैसे कि मुझे ऑडियो के पीछे डेटा को हाइड करना है तो मैं अब ऑडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप किया हैकर। अब हम डेटा को हाइड करने के लिए हाइड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में जो सीक्रेट डेटा जिप फाइल है वो ऑडियो के पीछे हाइड हो जाएगी। अब आप ऑडियो की साइज को एक बार चेक कीजिए। इसकी साइज है 11.1 MB। पहले इसकी साइज थी 255 KB। इसका मीन्स हमारा जो डेटा है वो इसके पीछे पूरी तरह से हाइड हो चुका है। अब मैं सीक्रेट डेटा फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे वापस ऑडियो के पीछे हिडन डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि डेटा पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। ऑडियो के पीछे हिडन डेटा को वापस रिट्रीव करने के लिए रिट्रीव फाइल्स पर क्लिक करेंगे। फिर उस ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे। अब आप पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड टाइप कीजिए। यदि आपने रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया तो इमेज के पीछे छिपा डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट होने में कुछ समय लेगा और इसके बाद ऑटोमेटिकली वो फाइल आपके सामने शो होगी। अब आप देख सकते हैं कि ऑडियो के पीछे हाइड किया हुआ डेटा डिक्रिप्ट हो चुका है। अब इसे इजीली यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियो के पीछे हिडन डेटा को कैसे डिलीट किया जाता है। सबसे पहले रिमूव हिडन फाइल पर क्लिक करेंगे। जिसके पीछे डेटा छुपा हुआ है उसे सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड रखा है हैकर। अब आप अपने जो ऑडियो फाइल्स है उसकी प्रॉपर्टी चेक कीजिए। प्रॉपर्टी देखते हैं
275 KB है। जब डेटा हाई था तो इसकी साइज थी 11 MB। मोस्ट ऑफ हैकर्स, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेगो टेक्निक्स का यूज़ डेटा को हाइड करके एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अनऑथराइज यूजर से बचा जा सके। यदि अनऑथराइज यूजर इस डेटा को एक्सेस भी कर लेता है तो उसे विदाउट पासवर्ड के डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।